पैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? बहुत बुरे हैं हम। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, बहुत यूट्यूबर की वीडियो देखते हो क्या? किसी ने सोचा कि भैया ये रोटेशन ट्रैक्टर ऐसे करने से कैसे लग जाता? तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। भैया किसी के मतलब के समझ में नहीं आता है। सो गाइस, इस वीडियो में चार स्टेप बताऊंगा, नूब से नूब बंदा रोटेशन ड्रैग टैप मारेगा, ठीक है गाइस? सो गाइस, ये चार स्टेप ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से गौर करना। ये चार स्टेप करने के बाद आप मार सकते हो, बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे गाइस पहला आता है हमारा मूवमेंट, मतलब दौड़ धूप। अगर आप बोलोगे तो कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कैसे चेंज करते हैं पूरे एकदम। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये मतलब की मूवमेंट वगैरह सीख लेना है, ठीक है? जिनको आता है वो बहुत ही अच्छे, बहुत तो राजा बाबू, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पर देख लो, यह सारे मूवमेंट आप सीख लो, ठीक है? यहाँ पे ये रोटेशन ड्रैग टैप में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यह नहीं आता तू गंजा, मुझे नहीं आता तो मैं देश का मुंडा, ठीक है? यह सीख लो। देख लीजिए मेरी ससुर जी, देख लीजिए ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है। हम जानते हैं आप बहुत ही बड़ा नूबड़े हैं, हम मेरे जैसा प्रो इस धरती पर थोड़े पैदा हुआ है। कैसा? सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट आपको सीख लेना है सबसे पहले, ठीक है गाइस? उसके बाद चलिए गाइस, हम लोग सेकेंड स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे कठिनाइयाँ बढ़ेगी, कठिनाई डिफिकल्टी समझते हो ना, कठिनाइयाँ। तो चलिए गाइस सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। दूसरा है हमारा पिकअप एंड फायर। जी हाँ गाइस, पिकअप एंड फायर मतलब कि आप कितना फास्ट गन को हैंड में लेते हो और फायर करते हो। सो गाइस, पहले देख लो गन कैसे हाथ में लेना है इस तरह का, और मूवमेंट इस तरह का हमें रखते रहना है, ठीक है गाइस? एक गोली मारना है, उसके बाद फिर से मुक्का निकाल लेना है इसी तरह, उसके बाद दौड़ते रहना है, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है रोटेशन ड्रैग टैप में। सो गाइस, तीसरा स्टेप आ जाएगा तो फाड़ दोगे, जड़ समाप्त कर दोगे। फिर मारने खाएगा तू? तीसरा है हमारा ड्रैग टैप एंड हेडशॉट। जी हाँ गाइस, ड्रैग टैप एंड हेडशॉट। इसमें आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको ड्रैग टैप सीख लेना है, ठीक है गाइस? ड्रैग टैप नहीं आता है, मैंने वीडियो बना रखा है कि हेडशॉट और ड्रैग टैप कैसे मारना है सीक्रेट सेटिंग्स के साथ। सही बात है, ये सेटिंग्स हिडन सेटिंग्स 2021 अपडेट में है, कैसे मारना है बहुत ईजी हो गया है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले हेडशॉट मारना आपको सीख लेना है ड्रैग टैप के साथ। ड्रैग टैप समझते हो ना, ड्रैग टैप करना सीख लेना, ठीक है गाइस? सो गाइस, ये आपको सीख लेना है, बहुत ईजी हो गया, मैंने पूरा बता रहा है, मुझसे भी नहीं लगता था लेकिन जब से ये सेटिंग किया लगने लगा। यह सीख लेना है तभी आपसे अच्छा से लग सकता है। अब तीसरा, जब ये सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है गाइस, तब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका यहाँ पर ड्रैग रोटेशन ट्रिक, ठीक है गाइस? इसमें आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी सब चौथा है गाइस, सेंसिटिविटी सब हाई कर लेना है, ठीक ना, या 85 कर लेना है ज़्यादा हवा में जाता है तो ठीक है गाइस, सेंसिटिविटी हाई कर लेना है। उसके बाद गाइस कैसे मारना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? बताए ना, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है? इसी को हम लोग समझते हैं पहले स्लो मोशन में। यहाँ पे देखो गाइस, मैं उछला, उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, एनिमी उस तरफ मुड़ा हुआ है और मैं इस तरफ मुड़ा हुआ, तो उसके अगेंस्ट ओपोजिट डायरेक्शन से मुझे घुमाना है, यानी इस तरफ से, ठीक है ना? पहले पीछे खींचना है, ठीक है? उसके बाद मुझे उसके ओपोजिट डायरेक्शन से उसके हेड पे लाना है। यहाँ पे देखो पहले पीछे खींचा, उसके बाद नीचे से ड्रैग करके ऊपर लाया। यहाँ पे भी देखो गाइज, यहाँ पे ओपोजिट था तो उसके ओपोजिट मैंने कर्सर घुमाया, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पे सभी में देखो गाइज, यहाँ पे मेरा ये देखो बटन, उसके अपोजिट से घुमाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा एम है ना, उसको लाल नहीं होने देना है, लाल होने के बाद वो एक जगह सिलता नहीं। ये देखो गाइज, यहाँ पे डायरेक्ट उसके हेड पर उस तरह से ड्रैग करना जो कि निशाना बने, ठीक है? यहाँ पे रोटेशन देखो गाइज, यहाँ पे इसके अपोजिट से घुमाया हमने, देखा गाइज? अपोजिट से ऐसे करके नीचे से घुमाया जो कि एम भी नहीं लगा, डायरेक्ट हेड पे पहुंचा।
और हाँ गाइस, नीचे करना मत भूलना, नीचे बहुत लोग करना भूल जाते, बोलते मेरा लग नहीं रहा है, मारने से पहले एक बार नीचे जरूर करना, नीचे करके घुमाना, ठीक है गाइस? हाँ ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन शॉट से क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे रोटेशन ट्रैप देखने के बाद मैंने आपको बताया मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इस तरह से आप रोटेशन ड्रैग टैप मार सकते हो। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मार सकते इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मार सकते हो रोटेशन ड्रैग टैप, ठीक है गाइज? मैं भी अभी उतना प्रो नहीं हूँ, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, ठीक है गाइज? बहुत जल्द मैं भी सीख जाऊँगा, ठीक है? 15 से 30 दिन आप प्रैक्टिस करोगे आपका यह लगने लगेगा इस ट्रिक से। जैसा मैंने बताया 4 स्टेप फॉलो कर लो, नूब से नूब बंदा हेडशॉट मारेगा, नहीं मारा तो नाम बदल देना। क्या ससुरा नहीं समझ में आया? कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, तुम्हारी ये नामर्दानगी बुस्तिली एक दिन स्टेज की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है, क्या बोलने का?